नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रदोष व्रत पूजा के विधि के बारे में बताऊँगी। जैसे कि मैं आपको एकादशी का एपिसोड दी हूँ, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत का भी नियम और पूजा होता है। जैसे एकादशी में मैं बताई हूँ कि जिस कामना से आप व्रत करना चाहते हैं उस एकादशी का व्रत विधिवत करके स्थापना करके अनुष्ठान करके उद्यापन करें, उसी तरह से प्रदोष व्रत में भी है। तो ये प्रदोष व्रत प्रदोष के दिन जो दिन पड़ता है उस दिन के अनुसार आपकी क्या मनोकामना है उस दिन का आप व्रत करें। स्वास्थ्य के लिए यानी कि बीमारी दूर करने के लिए स्वस्थ रहने के लिए व्रत करना है तो मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है आप उस दिन व्रत करें। शत्रु नाश के लिए गुरुवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उस दिन व्रत करें। और उसी प्रकार से बुधवार के लिए सर्व मंगल कामना यानी कुछ भी जो सामान्य मंगल कामना होती है उसके लिए व्रत किया जाता है। जब जब इन दिनों में प्रदोष पड़े उस दिन आप व्रत करें। इसीलिए जब रविवार को प्रदोष पड़ता है तो दीर्घायु के लिए यानी आयु लंबी करने के लिए आरोग्यता के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। और कोई भी खोया हुआ वस्तु पाने के लिए शनिवार का प्रदोष जो है उसमें व्रत किया जाता है। उसी प्रकार से शुक्र प्रदोष स्त्री यानी कि स्त्री करे तो पुरुष के लिए, पुरुष करे तो स्त्री के लिए, और सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार का व्रत किया जाता है। वैसे सामान्यतः जैसे मैं एकादशी में भी बताई हूँ कि अगर पूरे साल का 24 या 26 अधिक मास में 26 एकादशी या त्रयोदशी पड़ता है, अगर इसका पूरा एक साल तक विधिवत मतलब जिस जिस दिन वार पड़े वो पूरा विधिवत उन दिनों को अनुष्ठान मतलब स्थापना अनुष्ठान उद्यापन किए जाए और साल भर में विधिवत उद्यापन करे तो जो भी इस भव के सारे जो ताप हैं, जो रोग है, चिंता है या जो भी कुछ है, जीने के लिए जो सुगम होता है वो सब प्राप्त हो जाता है मनुष्य के लिए। तो एक साल का पूरा करें। अगर एक साल का पूरा नहीं कर पाते तो जो आपकी मनोकामना है उस प्रकार से व्रत को करें। प्रदोष व्रत जो भी करता है वो सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले कभी कभी तो मैं देखती हूँ कि बहुत दिनों से माताएं बहने भाई लोग प्रदोष व्रत करते रहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की सुरक्षा के लिए और तमाम मनोकामनाओं के लिए हमेशा करते ही रहते हैं। बीच बीच में उद्यापन दान पुण्य भी करते हैं, वो हमेशा सुखी और संपन्न और स्वस्थ रहते हैं। तो प्रदोष व्रत, प्रदोष यानी जो भगवान शिव जी का, जैसे एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए और प्रदोष शिव जी के लिए। तो शिव जी की जब भी पूजा होती है कोई भी पर्व हो, संध्या यानी संधि यानी कि दिन जाते और रात्रि का मिलन ये दोनों के बीच में जो काल होता है इसी काल में इसी समय में भगवान शिव की पूजन विशेष पूजा का महत्व है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर से दूर है मंदिर तो आप इस समय में नहीं जा पाएंगे तो आप सुबह जा सकते हैं शिव जी के मंदिर प्रदोष व्रतधारी और शाम को विधिवत अपने घर में पूजा करें यानी इसी काल में संध्या समय प्रदोष समय में। तो जैसे कि मैं आपको प्रदोष व्रत कथा पूजन विधि बता रही हूँ तो पूजन में जितनी भी पूजन मैं आपको बताई हूँ उसी प्रकार से प्रदोष का भी पूजन होता है। जैसे कि आप तीजा सर्च करोगे तो तीजा में जैसे पूजन बताई हूँ वही पूजा, या तो आप फिर से जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि आप भूमि पर भी अष्टदल कमल बना के या चौकी पर भी भगवान का कलश स्थापना जरूर करें, गौरी गणेश बैठाएँ और पूजन करें। जैसे पूजा मैं आपको बताई हूँ दिनवार से जैसे आप करते हैं तो अगर आप चाहें तो हर प्रदोष में पायस का हवन भी कर सकते हैं, पायस यानी खीर उसका हवन भी कर सकते हैं भगवान शिव के साथ माता पार्वती का नाम लेके। वैसे हवन का विधान है 108 आप नहीं कर पाते तो 54 भी कर सकते हैं, 26 भी कर सकते हैं हवन भगवान शिव और माँ पार्वती का एक साथ नाम लेकर। ओम उमा शिवाय नमः इस मंत्र से आप 108 बार या 54 बार डालें, फिर ओम शिवाय नमः इस मंत्र से आप पायस का हवन कर सकते हैं। और जो हवन सामग्री बताई हूँ उसका भी हवन विधिवत उद्यापन के समय कर सकते हैं।
और आप मीठा भोजन करें, जैसे कि तमाम माता, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर लो या हाई या ऐसे कुछ बीमारी होती है शुगर वगैरह, तो दिन भर भूखा नहीं रह सकते, तो वो फलहार, दूध, चाय वगैरह दिन में ले सकते हैं। मीठा भोजन यानी पूजा करने के बाद मीठा भोजन, जैसे कि खीर भगवान शिव को बहुत पसंद है, तो खीर और पूड़ियाँ बना के भगवान शिव का पूजन करके भोग लगा के शिव पार्वती को, फिर आप भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। और विधिवत तिल के तेल का दीपक जलाएं और तिल का तेल ही लगा के स्नान करें, जितनी भी माताएं बहनें व्रत करती हैं। और प्रदोष व्रत में भी जिस जिस दिन जो पड़े, जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं, जैसे आप मंगल प्रदोष करना चाहते हैं तो उस दिन भगवान को लाल आसन बिछाएंगे, खुद लाल आसन पर बैठेंगे, खुद लाल वस्त्र पहनेंगे, लाल चंदन का तिलक करेंगे। उसी प्रकार से जैसे सोम प्रदोष हुआ तो क्रीम या सफ़ेद, जैसे भाई लोग हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहने और माताएं हैं बहनें हैं तो क्रीम वस्त्र पहने, वैसा ही आसन बिछाएं, वैसा ही भगवान के लिए भी आसन दें। उसी प्रकार से जैसे बुध प्रदोष है आप व्रत कर रहे हैं तो हरे रंग का, उसी प्रकार से गुरु प्रदोष कर रहे हैं तो पीले रंग का वस्त्र आप भी खुद पहने और केसर हल्दी का तिलक लगाएं गुरुवार के दिन, और आप पीले आसन पर बैठें, ऊनी आसन हो, भगवान के लिए भी पीला वस्त्र बिछाएं। शनिवार है तो नीला, रविवार है तो लाल, इसी प्रकार से दिन वार से जो भी वस्तुएं भगवान को पसंद हैं वही चढ़ाएं और खुद उसका उपयोग करें और वैसा ही भोजन करें। जैसे कि गुरुवार है तो आप चने की दाल वगैरह का भी कर सकते हैं, यानी कि ये भगवान शिव के साथ साथ दिनों का भी महत्व है इसमें। उसी प्रकार से दान का भी महत्व है, भगवान शिव जी के नाम से हमेशा सफेद वस्तुओं का ही दान दिया जाता है, भगवान शिव का वार सोमवार है, पर प्रदोष में दिनों से संबंधित ये व्रत किया जाता है। सोमवार को अगर व्रत पड़ता है और आप उस दिन उद्यापन करते हैं तो आप सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूर करें, जिसमें चांदी का दान का महत्व सोमवार को बहुत अत्यधिक होता है। दान जब भी करें दिन के समय, आपको मैं बता रही हूँ प्रदोष व्रत की विधि और पूजन विधि। जो बहनें, जो माताएं इस व्रत को करती हैं या कर रही हैं, वो जब व्रत का समापन हो तो पूर्णतः श्रृंगार की सामग्री माँ पार्वती भगवान शिव के सन्मुख अर्पण करें और अपनी सुहाग की रक्षा के लिए माँ पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करें। उसी प्रकार से संतान के लिए अगर व्रत करती हैं तो तमाम प्रकार के खिलौनों को भगवान के सामने अर्पण करें और बच्चों में दान करें। वैसे मतलब जिस तरह से हम, जिस कामना से हम इस व्रत को करते हैं उस चीज़ों को भगवान के सामने रखते हैं और दान करते हैं। जैसे स्त्रियाँ व्रत करती हैं तो सुहाग का सामान जरूर ही माँ पार्वती को, भगवान शिव को अर्पण करें और अपने घर में और बाहर भी सुहागन स्त्रियों को बांटें। आप अगर अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए व्रत कर रहे हैं तो तमाम प्रकार के खिलौने और छोटे छोटे कपड़े, जितना बड़ा आपका पुत्र हो उस प्रकार से कपड़ों को, खिलौनों को खरीद के भगवान शिव माँ पार्वती जी को पहले अर्पण करें, फिर बाहर बच्चों को बांट दें। उसी प्रकार से जिस कामना से हम व्रत करते हैं उस चीज़ों को भगवान को अर्पण करके और फिर हम बाहर और घर में भी उसको बांटते हैं। मैं सभी माताओं बहनों को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप व्रत प्रारंभ करें तो आप व्रत को बीच में किसी भी स्थिति में न छोड़ें, यानी विशेषकर जब अशुद्धता हो महिलाओं को तब भी वो व्रत नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ये एक प्राकृतिक, ये स्त्रियों को होता है तो इसमें व्रत नहीं छोड़ा जाता। आप पूजन न करें, दान न करें, कोई भी जो पूजन सामग्री उनको न छुएं, पर व्रत करें। अगर आप अस्वस्थ हो गई हैं, बीमार हो गई हैं बहुत ज़्यादा ही, तो उस स्थिति में आप व्रत को छोड़ सकती हैं भगवान जी से क्षमा याचना करके, और फिर अगली बार आप व्रत को पूर्ण करके तभी उद्यापन करें। बीच में ऐसे आप कहीं शादी में गए या कहीं और भी गए तो तमाम माताएं बहनें बोलती हैं कि हम शादी में बाहर आए हैं तो व्रत कैसे करें। व्रत पूर्णतः आपके हाथ में है, आप अपने इच्छा से व्रत धारण किए हो, कहीं अगर जाओ भी तो व्रत को मत छोड़ो। चाहे शादी में, कहीं यात्रा में, कहीं भी धार्मिक यात्रा में, कहीं भी जाओ तो उस व्रत को जरूर निभाओ। हाँ, अगर आप पूजा कहीं दूसरे जगह नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, भगवान सूर्य को प्रणाम कर लो, कोई देव वृक्ष दिखे जैसे पीपल, आंवला, तुलसी, कोई भी वृक्ष दिखे तो उनमें भगवान का स्वरूप मान के आप प्रणाम कर लो, क्षमा याचना कर लो कि हम इस समय घर से बाहर हैं, आपकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, पर आपका हम व्रत धारण किए हुए हैं, इस व्रत का हमको पूर्णतः फल मिलना चाहिए। तमाम माताएं बहनें बोलती हैं कि हम यात्रा में हैं या विवाह में हैं या अशुद्ध हो गए हैं तो हम व्रत नहीं कर रहे हैं,
या जैसे सूतक और पातक, व्रत के दौरान अगर सूतक और पातक पड़ जाता है तो आप तब भी व्रत न छोड़ें। व्रत यानी कि हम शरीर की शुद्धि के लिए व्रत कर रहे हैं, हम उसमें जो भोजन करते हैं बस भोजन में ही परिवर्तन है, बाकी हम पूजा और दान न करें। इसमें जरूर इस विधि को निभाएं, सूतक पातक में भी व्रत न छोड़ें। जैसे गुरुवार का है, जैसे हफ्तावारी व्रत है, या एकादशी या प्रदोष कोई भी व्रत है तो आप व्रत करें, भगवान के नाम से पूजन न करें। जैसे कहते हैं कि इस अवस्था में व्रत करने से भगवान को नहीं मिलता, तो ठीक है भगवान को नहीं मिलता, लेकिन आपकी तो शरीर शुद्ध रहेगी, आप इधर उधर के भोजन नहीं खाओगे। और आपको अगर कोई कहता है कि भगवान को नहीं मिलता तो ये गलत है, भगवान को हर स्थिति में आपका दिया हुआ पूजा जरूर मिलता है, किया हुआ व्रत का फल जरूर मिलता है और आपको भी उसका फल मिलता है। तो मैं आपको बता रही हूँ प्रदोष व्रत विधि, उसी में आपको तमाम बहन भाइयों का जो पूछना है कि कब कब व्रत नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको ये भी बता दी हूँ। और व्रत प्रदोष का व्रत विधिवत आप मंदिर में जरूर जाएं, जैसे मैं बताई कि अगर रात्रि को आप मंदिर में न जा सके तो आप सुबह मंदिर में जाएं, रात्रि को लेकिन विधिवत अपने घर पूजा करें। जो माताएं बहनें या फिर जाती हैं सुबह निकल जाती हैं, उनको पूजा करने का मंदिर भी जाने का समय नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, आप घर में पूजन कर सकते हैं। अगर आप घर में भी विधिवत पूजन नहीं कर सकते तो आप पहले दिन यानी जिस दिन आप व्रत को धारण किए हैं उस दिन विधिवत पूजा कर लें, फिर आप व्रत करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, और उद्यापन के दिन विधिवत उद्यापन करें, यानी उद्यापन में हवन और ब्राह्मण भोजन और दान, इन तीन चीजों का काफी महत्व है। तो जितने भी आप व्रत किए हैं पूजा नहीं कर पाए हैं उन सब का पूर्ति उद्यापन के दिन, उद्यापन इसीलिए होता है कि उन सब का पूर्ति उद्यापन के दिन कर दिया जाए। तो आपको मैं प्रदोष व्रत पूजन विधि बताई हूँ, आप इस व्रत को करें, और जो भी आपका सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं। आगे तमाम घरेलू जानकारी पूजा व्रत जो भी आगे आएंगे मैं आपको देती रहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।